हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रीड करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल ही बहुत इंटरेस्टिंग है, कैमिलियन। कैमिलियन किसे बोलते हैं? गिरगिट, जो कि जिस जगह पे हो उसके हिसाब से अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेता है। सो द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ द स्टोरी इटसेल्फ। कहानी की जो मेन थीम है उसके लिए ये टाइटल बहुत ही अप्रोप्रिएट है। इट गिव्स अस अ ग्लिम्प इनटू द स्टोरी एंड अ कैमिलियन। कैमिलियन के बारे में बात करें तो दैट इज़ अ लिजर्ड टाइप क्रीचर दैट कैन चेंज इट्स कलर टू मैच द कलर अराउंड इट। अपने आसपास जो भी जगह हो उस हिसाब से वो अपने कलर को चेंज कर लेता है। मेटाफोरिकली इट मीन्स समवन हु चेंजेस इट्स हिज आइडियाज एंड बिहेवियर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन, दैट इज़ ऑल्सो लाइक कैमिलियन। तो जो इंसान अपने समय के हिसाब से अपने विचारों को, अपने बिहेवियर को चेंज कर ले, उसको भी गिरगिट बोल देते हैं। तो इस स्टोरी में, जो कि एंटन चेकव की लिखी हुई है, एंटन चेकव एक रशियन नॉवलिस्ट है और उनकी ये शॉर्ट स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। द पुलिस सुपरिटेंडेंट हुज नेम इज़ ऑचुमिलर पुलिस सुपरिटेंडेंट है और वो एक अपने पुलिसमैन, जो कि रेड हेयर्ड, उसके बाल कुछ लाल कलर के हैं, रेड कलर के हैं, उसके साथ वो अपनी मार्केट स्क्वायर में चल रहा है, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा शांति है, कोई भी बाहर दिखाई नहीं दे रहा। और अचानक टिम्बर यार्ड के पास ही उन्हें कुछ भीड़ दिखाई देती है और वहाँ पर एक आदमी जिसने कि स्टार्च कॉटन शर्ट पहनी हुई है और वेस्ट कोट के बटन उसके खुले हुए हैं, वो एक डॉग के पीछे भाग रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जब पुलिस ऑफिसर उसे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, तो वो जो मैन है जो कि डॉग का पीछा कर रहा था, उसने बताया कि हिज नेम इज़ रुकिन, मेरा नाम रुकिन है, एंड ही वॉज पासिंग दिस वे व्हेन दिस डॉग विथ हिज फिंगर। मैं यहाँ से गुज़र रहा था कि इस डॉग ने मेरी उंगली पर काट लिया और अब मैं काम करने वाला हूँ, मेरा काम है, गोल्ड स्मिथ का काम है, मेरा हाथ से काम करता हूँ, अब मेरा काम भी रुक जाएगा। देन आई मस्ट हैव डैमेजेस, मुझे मुआवजा चाहिए। और अपने साइड को क्लियर करते हुए, अपनी क्लैरिफिकेशन देते हुए वो ये भी कहता है कि किसी भी कानून में ये नहीं लिखा हुआ, ये इल्लीगल है कि कोई डॉग जो है वो किसी इंसान को काट ले, तो ये इल्लीगल है। ऑफिसर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर उसकी साइड लेते हुए ऑफिसर ने पूछा कि इस डॉग का मालिक कौन है, हु इज़ द ओनर ऑफ द डॉग, ही विल टीच हिम अ लेसन, कि मैं उसे सबक ज़रूर सिखाऊंगा। He says that the owner will be heavily fined for not obeying the regulations. ये स्टेटमेंट थी उस टाइम पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑचुमिलर की कि इसका जो भी कोई मालिक होगा उसको बहुत ज़्यादा जुर्माना देना पड़ेगा, क्योंकि उसने रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, रूल्स को फॉलो नहीं किया। He is of the view that such stray dogs must be strangled. इस तरह के जो आवारा कुत्ते छोड़ देते हैं उन्हें तो फांसी पे लटका देना चाहिए। Someone from the crowd informed, तभी भीड़ में से कोई बोला उस that it is the General Zikhalov's dog, लगता है ये जनरल ज़िकालव का डॉग है। जब किसी सीनियर अफसर का नाम सुना तो पुलिस सुपरिटेंडेंट के व्यूज़ एकदम चेंज हो गए और जो उसने पहली स्टेटमेंट दी थी बिल्कुल उसके उलट हो गया। जैसे ही उसने ये सुना कि ये डॉग किसी आम आदमी का नहीं है, उसने क्या कहा, that the little dog cannot reach the man's finger, ये छोटा सा तो बेचारा डॉग है, ये एक आदमी की उंगली तक कैसे पहुंच गया होगा, ज़रूर तुमने ही कोई इसको परेशानी क्रिएट की होगी, इसको छेड़ा होगा, या फिर अपनी उंगली को जानबूझ के तुमने खुद ही ज़ख्मी कर लिया है और उसके लिए तुम उसके पैसे लेना चाहते हो, ये सब तुम्हारी प्लानिंग है और इस प्लानिंग के लिए तुम इस डॉग का मिसयूज़ कर रहे हो। जब ये बात सुनी तो रुकिन ने अपनी सफाई देनी चाही, उसने ये भी कहा कि मैं अपने, मेरा भी भाई पुलिस में है, मैं उससे भी बात करूँगा, लेकिन
अभी आपस में ऑफिसर की और रुकिन की बात चल रही थी, तो बीच में से ही कोई बोल पड़ा। ऑफिसर के साथ में जो पुलिसमैन था उसने एक कन्विक्शन दी कि सर, जनरल हैज़ नॉट गॉट सच अ लो ब्रीड ऑफ डॉग्स, ऐसे कुत्ते वो नहीं रखते, इतनी घटिया किस्म के डॉग्स वो नहीं रखते। तो सुप्रिटेंडेंट को लगा हाँ ये तो ये सही बात बोल रहा है, दैट मीन्स ये जो डॉग है ये जनरल का नहीं है। तो फिर दोबारा पासा पलट गया और फिर उसने क्या बोला कि कोई बात नहीं, जिसे जख्मी किया ना मैं तुझे ज़रूर बचाऊंगा, जिसने भी तुझे तुम्हें इंजरी दी है मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा, मैं इस मसले को ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगा। एकदम से जो उसका डिसीज़न है, एकदम से जो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, स्टेटमेंट है, वो मौके के हिसाब से चेंज हो रही है। तभी भीड़ में से आवाज़ आई, जनरल साहब का नहीं है लेकिन उनके ब्रदर का है, वो तो मोस्टली सेटर्स किस्म के डॉग रखते हैं जो कि एक ब्रीड है डॉग्स की, वो इस तरह के डॉग्स नहीं रखते। तो जब जनरल के भाई का हुआ या जनरल का हुआ बात तो एक ही है, तो ऑफिसर दोबारा बदल गया, उसने फिर अपना स्टैंड चेंज कर लिया और बोला कि डॉग तो बहुत ज़्यादा डेलिकेट एनिमल है, बेचारा देखो कितना नाजुक सा है, इसकी आँखें देखो कितना इनोसेंट लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ रुकिन अपनी ब्लीडिंग फिंगर दिखा रहा था और उसको हवा में लहरा रहा था कि मुझे इसके बदले में चाहिए कुछ। तभी जनरल का कुक, जिसका नाम की प्रोहर है, सीन में एंट्री होती है उसकी और वो कन्फर्म करता है कि जो डॉग है, डॉग बिलोंग्स टू द जनरल्स ब्रदर व्लादिमीर इवालेंटिन, ये उसके ब्रदर का, जनरल के ब्रदर का ही डॉग है। जब ये सुनता है पुलिस सुप्रिटेंडेंट तो उसके चेहरे पे चमक आ जाती है, हाँ देखो मैंने बोला था ना, ये इट इज़ अ गुड डॉग, अ लाइवली क्रिएचर, लिटिल पप, सब कुछ चेंज हो गया। और उसने प्रोहर को उस डॉग को सौंप दिया और वार्निंग दे रहा है रुकिन को कि अगर मुझे यहाँ दोबारा दिखाई भी दिए तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ जो कि पैसे के लालच में इस तरह से मौके की तलाश में रहते हो कि किस तरह से पैसा ऐंठा जाए, और जिस मुआवजे की बात तुम कर रहे हो वो तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलने वाला। लाइक अ कैमिलियन, एक कैमिलियन की तरह, एक गिरगिट की तरह उसने लास्ट में फिर अपनी जो स्टेटमेंट है उसे चेंज किया, एंड ही हैज़ नो शेम इन पब्लिकली चेंजिंग हिज ओपिनियन टू सूट दिस सिचुएशन, और उसे ऐसा करते हुए पब्लिकली किसी भी तरह की शर्म महसूस नहीं हो रही थी कि वो क्या कर रहा है, एक टाइम कुछ जवाब दे रहा है और दूसरे टाइम वो अपनी स्टेटमेंट को किस तरह से बदल रहा है। अगर स्टार्टिंग में देखें, अगर इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए, तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि वेयर वॉज पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑचुमेलव वॉकिंग, कहाँ घूम रहे थे, देन देवर वॉकिंग अक्रॉस द मार्केट स्क्वेयर, और उनके हाथ में क्या था, पुलिसमैन के हाथ में ही वॉज कैरिंग अ पार्सल अंडर हिज आर्म, उसने बाजू में अपने पार्सल दबा रखा था, और उसके वट वॉज द रेड हेयर्ड पुलिसमैन कैरिंग इन हिज हैंड्स, अपने हाथ में, पुलिसमैन के हाथ में क्या था जिसके कि बाल लाल रंग के नज़र आ रहे थे, ही वॉज कैरिंग अ सी फुल ऑफ कन्फेस्टिकेटेड गूसबेरी इन हिज हैंड्स, उसके हाथों में गूसबेरीज जो कि एक फ्रूट का नाम है, उससे भरी हुई जो सीव थी वो फुल ऑफ गूसबेरीज उसने हाथ में अपनी लेके वो जा रहा था। एंड हु वाज चेजिंग द डॉग, डॉग का पीछा कौन कर रहा था, रुकिन, क्यों कर रहा था, बिकॉज ही वाज चेजिंग टू डॉग टू कैच होल्ड ऑफ इट बिकॉज इट हैड बिटन हिम, क्योंकि उस डॉग ने उसे काटा था। और उसने रुकिन ने पहना हुआ क्या था, He was in starched cotton shirt and unbuttoned waistcoat. Rukin भीड़ को क्या दिखा रहा था? What did Rukin display to the crowd? He displayed a bleeding finger to the crowd. अपने हाथ से बह रहा खून जो उसको दिखा रहा था लोगों को, और वो क्यों उसे ऐसे लग रहा था कि How was Rukin's bleeding finger a flag of victory? उसको लहरा के हवा में लोगों को क्यों दिखाना चाह रहा था? Because he wanted to get compensation regarding that, वो उसके बदले में मुआवजा चाहता था।
तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो कि पता होने चाहिए, लाइक हु वाज प्रोहर, प्रोहर कौन था, ही वाज जनरल्स कुक, वो जनरल का रसोइया था, और किस तरह के डॉग जनरल नहीं रखता था, मोस्टली सेटर्स, सेटर्स किस्म के जो एक ख़ास किस्म के नस्ल के डॉग्स हैं वो इस तरह के रखता था, ना कि लो क्रीचर जो लो ब्रीड के डॉग्स वो नहीं रखता था। जनरल किस तरह के डॉग्स को रखना पसंद करता था, सेटर्स को। इस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चंस की इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो कि आपको ज़रूर इस स्टोरी में से लर्न करने हैं, और स्टोरी को थॉरली रीड करने के लिए एक बार अपने पार्ट सी का चैप्टर नंबर सेकेंड कैमिलियन, इसे एक बार आपने अपनी बुक में से ज़रूर रीड करना है लाइन टू लाइन, जिससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और जितने भी करेक्टर्स इसमें हैं उसको अंडरलाइन कीजिए, जो भी रशियन नेम्स हैं इन रशियन नेम्स को, स्पेलिंग्स को अच्छी तरह से याद करना है, फिर ही इसको आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर।